हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो आज संडे है जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए। तो चलिए आज मार्केट में क्या क्या है। गाइस, जैसे कि आप देख रही हैं, मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए और ये है मेरा घर का कॉलोनी का रास्ता। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, संडे मार्केट। तो ये रास्ता जाता है मार्केट की तरफ मेरे कॉलोनी से निकल के। तो ये देखिए गाइस, ये है पूरा संडे मार्केट जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये संडे मार्केट लगा हुआ है हमारा यहाँ। और यहाँ है टी गार्डन, तो अब मैं यहाँ से निकलूँगी, वो पॉइंट पे निकलने के बाद है संडे मार्केट। तो गाइस, यहाँ से शुरू होता है मार्केट। ये देखिए, ये है मार्केट का शुरुआत। देखिए इस तरह मार्केट लगता है। यहाँ हर चीज़ संडे को बिका जाता है, चाहे फ्लावर्स हो, जूते चप्पल हो, सब्जी हो, मीट मछली हो, सब कुछ बिकता है गाइस संडे को। और आपको आधा से ज़्यादा लोकल सामान मिलता है। मैं यहाँ ले ली तीता बैगन, नींबू थोड़ा सा, एक दो नींबू ली, फिर ये आउटेंगा भी ली मैंने। तो ये है पोर्क, यहाँ स्पेशली संडे को वो लोकल पोर्क मीट काटा जाता है गाइस। और ये मच्छी का एरिया, यहाँ लोकल मच्छी भी मिलता है। तो ये सब है आज संडे का सारा लोकल सामान। घर पहुँच गई हूँ, बड़ा ही हालत ख़राब हो गया सामान उठा के लाते समय को, और गर्मी इतनी है क्या कहें। ये देखिए गाइस, आप मेरा हालत देख रहे हैं, गर्म से हालत ख़राब टोटली। तो गाइस चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मैं संडे मार्केट से क्या क्या सब्ज़ी लाई हूँ, क्योंकि वहाँ तो पॉसिबल था नहीं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँ, वीडियो भी करूँ फिर सब्ज़ी भी लूँ, ये पॉसिबल नहीं था। तो अब दिखा रही हूँ ये सब मैंने संडे मार्केट से लिया। गाइस ऐसे तो अदर टाइम भी मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाता है, पर संडे मार्केट इट्स लाइक अ फेस्टिवल, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। सारे लोग आए रहते हैं, लोकल सामान रहता है, बड़ा ही मज़ेदार लगता है जाना। चाहे आपके पास सब कुछ हो फिर भी तो जाना इंटरेस्टिंग लगता है संडे मार्केट। तो ये मैंने सब कुछ लिया। और मैं फ़िश भी लाई गाइस मार्केट से, छोटे छोटे सा फिश, ये लोकल फिश है गाइस। तो आज मैं इसे बनाऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मैंने सब कुछ धो लिया है यहाँ फ़िश को भी, फिर मैंने जो वो आउटेंगा लिया था जिसे एलिफेंट एप्पल भी कहा जाता है, ये गाइस देखिए कितना ही फ्रेश और अच्छा है, इसे मैं बनाऊँगी फ़िश के साथ। तो इसका जो बीच का पोर्शन होता है गाइस, इसे इस तरह काट के निकाल देना चाहिए। ये बीच का जो पोर्शन है इसे खाते नहीं हैं, इसे निकाल के हैं हम लोग फेंक देते हैं। फिर उसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस, पतले पतले पीसेस में काटेंगे गाइस, क्योंकि ये जाएगा फ़िश के साथ, क्योंकि इसका टेस्ट फ़िश के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है गाइस। क्योंकि हम यहाँ अभी बनाएंगे फ़िश आउटेंगा, और आगे भी देखिए मैं क्या क्या मिलाऊंगी उसमें और किस तरह बनाऊंगी, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा जैसे मैं बनाऊंगी। बिल्कुल हेल्दी है गाइस जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ थोड़े से अनियन भी चॉप कर रही हूँ गाइस, ये भी जाएगा फ़िश में। और ये जो मैं धनिया लाई थी, ये एक्चुअली लोकल धनिया है, इसका सेंट बड़ा ही बढ़िया होता है, बॉयल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है खाने के लिए, टेस्ट काफ़ी इन्हेंस करता है। ये मैं टमाटर लाई गाइस, उसका 2% कर लिया क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, तो मैं 1% डाल रही हूँ। थोड़े से अदरक भी दूँगी गाइस, छोटा सा टुकड़ा। तो ये जो अदरक है मैं छील छाल के आपको उसी में डाल दूँगी। ये 2 चिलीज़ दे रही हूँ, तीखा नहीं होता है, आपको अगर तीखा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दे सकते हैं। और थोड़ा सा लहसुन जाएगा गाइस। तो ये मैं सारी चीज़ रेडी कर लिए। अब मैं लिए यहाँ बनाना लीव्स। अब मैं क्या करूँगी, गैस को ऑन करूँगी और इसे ऊपर से थोड़ा सा सेक लूँगी। बेसिकली गाइस जब हम बनाना लीफ को फोल्ड करेंगे तो वो बीच से टूटे ना, इसीलिए थोड़ा सा सेक लेने से ये सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी तरह फोल्ड हो जाता है। और वो सब जो मैंने काट के रखा था उसके ऊपर ही मैं ये जो फ़िश है जो मैं धो के रखी थी उसे डाल दूँगी। अब यहाँ दूँगी थोड़ा सा नमक, ये देखिए आप स्वाद अनुसार दीजिए आपका कितना क्वांटिटी है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बस ज़रा सा। तो ये अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी पूरी अच्छी तरह, और मैं दे रही हूँ छोटा सा एक टुकड़ा नींबू भी। तो
तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गाइस। बड़ा ही हेल्दी होगा गाइस, जितना हेल्दी खाने में उतना ही टेस्टी रहता है गाइस। ये लोकल आइटम है, ये रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो बनाना लिप्स में ले ली थी धो धा के, उसके ऊपर अब ये रख दूँगी जो मिक्स मैंने बनाया फिश का। बेसिकली अब मैं इसे रैप करूँगी इस लीफ के अंदर। तो ये देखिए इस तरह, अब हम इसे एक रस्सी से बांध लेंगे ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जूसेस भी होते हैं गाइस पक जाने के बाद। इसी तरह जितने बचे हैं सबको मैंने इस बनाना लीफ्स में रैप कर लिया है। अब मैं इसे फोल्ड करके बांध लूँगी। तो गाइस आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीम कर सकते हैं, पर मेरे साथ स्टीमर नहीं है गाइस। तो मैं क्या कर रही हूँ, चावल जो बिठा रही हूँ राइस, उस पर मैंने एक स्टील का बाटी रख लिया, उसके ऊपर मैंने ये दो रख दिए जो मैंने बनाना लीव्स में वो पैक किए थे, उसे मैंने चढ़ा दिया। फिर गाइस मैं थोड़ा सा लीवर पोर्ट भी लेके आई थी, अब मैं उसे भी फ्राई कर लूँगी। तो इसके लिए हम इसे चॉप कर लेंगे धो धा के। तो ये मैं सारा जो पॉट और लीवर है इसे भी चॉप कर लूँगी। बेसिकली आज संडे है तो कुछ स्पेशल हो जाए, तो इसीलिए मैं स्पेशल बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं यहाँ सारा लीवर पॉट चॉप कर ली, और अब इसके लिए थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा टमेटो, थोड़ा सा गार्लिक सब रेडी कर रही हूँ गाइस चॉप करके। गार्लिक में कूट ली, ये देखिए। अब थोड़ा सा ऑयल दूंगी गैस, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा फैट्स है। और इसी में थोड़े से मसाले दे दिए, जीरा, धनिया, ब्लैक पेपर, ये देखिए। बस इसमें पानी डाल के घोल बना के रख दिया। अब इसमें मैं दे रही हूँ पॉट, अब मैंने प्याज दिया। इसी तरह मैं सब धीरे धीरे देते देते फ्राई करते जाऊंगी। अब मैंने लीवर डाल दिया है इस पर, तो इसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें जो घोल बना के रखा थे मसाले का वो भी डाल देंगे गाइस, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और अगर आप चिल्ली खाते हो ज़्यादा तो वो भी आप दे सकते हो। तो मैं इस तरह बनाती हूँ गाइस, आप किस तरह बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बोलना। यहाँ सीटी लग चुका है और राइस भी पक गया, साथ साथ मेरा ये जो स्टीम मैंने किया था फिश को वो भी पक गया गाइस। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी तरह पका है, और इससे मैं टेस्ट तो आपको बता नहीं सकती, आपको सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि इसका टेस्ट काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहता है, एकदम हल्का सा खाने में, काफ़ी हल्का टेस्ट, काफ़ी बढ़िया रहता है गाइस, और काफ़ी हेल्दी रहता है ये गाइस। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना गाइस, एटलीस्ट एक बार आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह पक गया है। वैसे फ़िश पकने को तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गाइस, और जो टमेटोज़ है वो भी पक जाते हैं, ये सब अच्छी तरह पक गया है। तो यहाँ मेरा रेडी हो चुका है, और यहाँ मेरा लीवर पॉट भी रेडी हो चुका है। मैं उसमें थोड़े से टमाटर चॉप करके दे दी। अब इससे देखिए अच्छी तरह पका ली मैं गाइस, ये पक चुका है। तो ये देखिए गाइस सब रेडी हो चुका है, मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ गाइस, खा रही हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था आज का लंच। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना गाइस, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।